राज्य शासन के लोक सेवा प्रबंधन द्वारा लोक सेवा केंद्रों से प्रदाय की जाने वाली सेवाओं के आवेदन शुल्क की राशि कम किए जाने का लोक सेवा केंद्र संचालकों ने विरोध शुरू कर दिया है। बुधवार को लोक सेवा केंद्र संचालकों ने काम बंद हड़ताल कर जिला प्रशासन को मांग पत्र सौंपा। केंद्र संचालकों की हड़ताल से कामकाज भी प्रभावित हुआ। राज्य शासन के लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा लोक सेवा केंद्रों से प्रदाय की जाने वाली सेवाओं के आवेदन शुल्क की राशि को घटा दिया गया है। राज्य शासन के इस आदेश से लोक सेवा केंद्र संचालकों में आक्रोश है। शासन के इस फरमान के विरोध में लोक सेवा केंद्र संचालकों ने काम बंद हड़ताल की। केंद्र संचालकों द्वारा इस संबंध में कलेक्टर से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा गया और साथ ही लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा लोक सेवा केंद्र के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं का आवेदन शुल्क यथावत रखने की मांग की गई। शासन के द्वारा जो रेट जो वेंडर का जो शुल्क था उसको अचानक 15 रुपये करने के विरोध में हमने हड़ताल की थी। कलेक्टर साहब से हमारी मुलाकात हुई है, उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि जो आपकी मांगे हैं, जो आपकी कुछ दिक्कत हो रही है उसको लेकर वो शासन से बातचीत करेंगे और आपका हमारा जल्द से जल्दी निराकरण करवाएंगे। उनके कहने के अनुसार कि अभी आप केंद्र तो खोलें, जो जनता को दिक्कत हो रही है आप उस जनता को और ना बढ़ाएं, वो आप केंद्र का संचालन करें, लेकिन हम आपकी मांगें जल्दी से जल्दी पूरी कराने की कोशिश करेंगे। मतलब कितना चार्ज था जो मतलब अभी तक अगर वेंडर को 3500 रुपये पर आवेदन शुल्क मिलता था, अब वो एकदम से अचानक कम करके 15 रुपये कर दिए, जबकि 2012 में ये शुल्क 25 रुपये था, 19 में 35 हुआ, उसको अचानक एकदम से 15 करने का 60% डाउन करने का कोई परसेंटेज नहीं समझ में आ रहा है कि शासन ने किस हिसाब से किया, जबकि आपके एम्प्लॉयों की कॉस्ट हमारी बढ़ चुकी है, स्टेशनरी की कॉस्ट डबल हो चुकी है, उसको लेकर हमने ज्ञापन दिया है। आप देखते हैं आगे क्या। पहले 25 रुपये रेट था तो उस हिसाब से उस पैसों से सारे खर्चे संचालक को वहन करने होते थे। अब 2012 में की स्थिति देखें तो हर चीज़ का रेट कम था। आज अगर हम 2022 की और 23 की बात करेंगे तो हर चीज़ का रेट महंगा हो चुका है। पहले बिजली के रेट बहुत कम हुआ करते थे, आज की स्थिति में ज़्यादा हैं। अगर 12 की स्थिति में आप हर एक चीज़ देखोगे, पेट्रोल देखोगे, सारी चीज़ें देखोगे तो अलग थी, आज अलग हैं। तो उस हिसाब से जब शासन ने 19 में रेट बढ़ा के 35 किया तो अब एकदम से कम करने का कुछ मतलब समझ में नहीं आता शासन का। इधर लोक सेवा केंद्र में हड़ताल होने के कारण आम जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोग जब लोक सेवा केंद्र पहुंचे तो उनके कार्य नहीं हुए। आज हड़ताल है यहाँ पे, मुझे सेंट्रल वाला जाति बनवाना था तो वो बोल रहे हैं कि कल बनेगा। क्या कुछ वजह बताएं कि किस वजह से हड़ताल? हाँ, वो शुल्क जो पोर्टल शुल्क लगता है ना वो कम कर दिया गया है, 15 रुपये कर दिया गया इस वजह से। क्या परेशानी जा रही है? मुझे बनवाना था 26 तारीख तक, मेरा फॉर्म की लास्ट डेट थी, तो अब वो बोल रहे हैं कि अब आज नहीं हो पाएगा तो अब कल का भी कुछ पक्का नहीं है, तो इस वजह से फॉर्म पता नहीं मैं भर पाऊंगी कि नहीं। तो ऐसे में हड़ताल नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए जी। कलेक्टर ऑफिस आए हैं, हमारे आधार कार्ड में नाम और एड्रेस में कुछ गड़बड़ हो गया है, वो कटनी बिछी अड़ल गया है, उसको सुधारने के लिए यहाँ पे आए। तो क्या हो रहा है यहाँ? तो हड़ताल चल रही है सर। किस तरह परेशानी आप लोग को हो रही है? सर आए हैं इतनी दूर से रद्दी चौकी से, परेशान हो रहे हैं, क्या कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? अब उनसे तो कोई बात ही नहीं, वो बोल रहे हड़ताल है, अब बताइए अब हम लोग क्या कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन से मिले आश्वासन के बाद लोक सेवा केंद्र संचालकों ने कुछ देर बाद सेवाएं बहाल कर दी।